हेलो फ्रेंड्स, सतीश तिवारी हियर फ्रॉम इथिकल हैकिंग ट्यूशन सेंटर जयपुर। और आज हम लोग सीखने जा रहे हैं हाउ टू कॉन्फ़िगर MySQL डेटाबेस और MySQL सर्वर इनसाइड द काली लिनक्स, लेटेस्ट काली लिनक्स। ओके, वी आर यूजिंग 2023.3 वर्जन। सो यू कैन सी दिस इज आवर काली लिनक्स मशीन। ओपन द टर्मिनल। सबसे पहला काम क्या करना है, टर्मिनल को ओपन करना है। टर्मिनल को ओपन करने के बाद क्या करना है, आपको पैकेज इंस्टॉल करना है। कौन सा पैकेज, MySQL का। कैसे इंस्टॉल करेंगे, apt install MySQL। ओके, वेरी सिंपल। तो आप देखोगे कि ये रिपोजिटरी नहीं ले रहा, MySQL पैकेज इसको मिल नहीं रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले रिपोजिटरी को अपडेट करेंगे। तो अपडेट रिपोजिटरी को अपडेट करेंगे। रिपोजिटरी को अपडेट करने के बाद हम वापस ट्राई करेंगे apt install MySQL, या उससे रिलेटेड कुछ और हो तो देखते हैं। MySQL के आगे पीछे स्टार लगा के देखते हैं, ठीक है। तो उसके आगे पीछे हम लोग स्टार लगा के देखेंगे, तो जो भी इससे रिलेटेड वर्जन है वो इंस्टॉल कर देगा ये। तो इसने इंस्टॉल कर दिया, इसमें MySQL DB नाम से है, MariaDB सर्वर नाम से इसमें इंस्टॉल्ड है, ठीक है, MariaDB सर्वर। तो चलो चेक करते हैं, MariaDB सर्वर है क्या इसमें। तो हमने इसको कर दिया, तो बता रहा है कि ऑलरेडी इंस्टॉल्ड विद द लेटेस्ट वर्जन। चलो कोई भी है, फिर देखते हैं सर्विस कौन सा चलेगा। तो सर्विस MySQL रिस्टार्ट करते हैं, तो MySQL सर्विस रिस्टार्ट हो गया। चलो इसका स्टेटस चेक करते हैं, स्टेटस। तो स्टेटस क्या दिखा रहा है, एक्टिव एंड रनिंग, यानी ये चल रहा है। आपको दिख रहा होगा साफ साफ MySQL की सर्विस चल रही है यहाँ पे, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या करते हैं, कंट्रोल सी से इसको बंद करते हैं, स्क्रीन को क्लियर करते हैं। क्लियर करने के बाद हम लॉगिन करने की कोशिश करेंगे इसमें। तो MySQL डेटाबेस में लॉगिन कैसे करते हैं, तो MySQL -u, u फॉर यूजर नेम, यूजर नेम रूट है, इंटर मारेंगे और हम लोग MySQL डेटाबेस के अंदर लॉगिन कर गए। बाय डिफॉल्ट अगर कोई डेटाबेस बना हुआ अंदर में तो हम देख सकते हैं, कैसे देख सकते हैं, सो डेटाबेसेस, डेटाबेसेस कमांड डालेंगे कॉमा के साथ। ये कमांड चलाते ही जो भी अंदर डेटाबेस है आप MySQL के अंदर डेटाबेस को देख सकते हो। अगर डेटाबेस के अंदर आप गए और वहां से देखने के बाद आप चाहते हो कोई नया डेटाबेस क्रिएट करना, तो सबसे पहले आप क्या करो, स्लैश एच करके हेल्प कमांड चला दो। ये कमांड क्या बताएगा, MySQL डेटाबेस के अंदर आप कौन कौन से और भी कमांड चला सकते हो। तो आप यहां से देख सकते हो कि कोई भी डेटाबेस है तो कोई से डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो, स्टेटस चेक करना या और भी कुछ काम करना हो तो कौन कौन से कमांड सपोर्ट करते हैं, यहां से आप देख सकते हो। अगर हम मान लो कोई डेटाबेस क्रिएट करना चाहते हैं तो हम लोग कमांड चलाते हैं क्रिएट डेटाबेस, मान लो सतीश नाम का हमने डेटाबेस दे दिया। तो आप देखोगे कि सतीश नाम का डेटाबेस क्रिएट हो गया, कैसे, सो डेटाबेस करते हैं। तो आप देखोगे सतीश नाम का भी डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट हो गया, हमने डेटाबेस क्रिएट किया। अगर आपको यहाँ से बाहर निकलना है तो आपको स्लैश क्यू कर देना है, क्यू फॉर क्विट, दैट्स इट। इस तरह से आप क्विट कर जाओगे। इस तरह से आप काली लिनक्स के अंदर बहुत ही ईजिली MySQL डेटाबेस इंस्टॉल कर सकते हो। मैं आपके लिए हिस्ट्री कमांड चला देता हूँ, आप देख सकते हो मैंने कैसे यहाँ पे इंस्टॉल किया, बिल्कुल ही फ्यू सिंपल स्टेप्स में डेटाबेस को, MySQL डेटाबेस को काली लिनक्स के अंदर, लेटेस्ट काली लिनक्स 2023 जो है, ठीक है, इसके अंदर इंस्टॉल कर दिया, लॉगिन किया, डेटाबेस क्रिएट किया और डेटाबेस चेक किया और उससे हम लोग बाहर भी आ गए। अगर आप कुछ और भी करना चाहते हो, अगर आप MySQL पे काम करना चाहते हो, डेटाबेस में काम करते हो, तो आप और भी कमांड इसमें कर सकते हो, जैसे टेबल इंसर्ट करना, कोई भी क्वेरी करना, सब कुछ कर सकते हो इसमें। हमने सिंपल सीखा इस वीडियो में डेटाबेस क्रिएट कैसे करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।